कल हमारे चवालीस भाई भाई जो हैं शहीद हुए हैं बहुत ज़्यादा सुन के तकलीफ़ लगता है कष्ट होता है किसी के वो भाई थे किसी का बेटा था उन्होंने खोया है और इतना सब होने के बावजूद अगर हम पाकिस्तान के साथ बातचीत करते तो ये बहुत ही शर्मनाक बात होगी अब हमें बातचीत नहीं चाहिए इसका हल जो है पाकिस्तान का सफ़ाया ही होना चाहिए क्योंकि पाकिस्तान का विनाश के बिना जो है अब पाकिस्तान सुधरने वाला सुनने वाला नहीं है सुनना होता तो कई बार कार्रवाई की गई कई बार बातचीत की गई ই মিলা কই ফর্ক পাকিস্তান তো আব পাকিস্তানকে জরুরত পথে কি এটা খুবই দুঃখজনক ঘটনা এবং সারা ভারতবর্ষের উপরে সারা ভারতবর্ষের জনগণ এই ঘটনার সমবেদনা জানাচ্ছে এবং আমরা সত্যিকারে আতঙ্কিত হয়ে পড়েছি আমাদের দেশের সরকারের एर विरुद्ध तीव्र प्रतिक्रिया जाना उचित जेटा अंत तो जंगी संगठनगुलो आगामी कैक दशक जटे भूलते ना पड़े हम लोगों का देश का ही आदमी उन लोग तो मिला हुआ है कारण है कि मणिशंकर अय्यर को क्या दरकार था जाने का वहाँ जाके बोला आप लोग चाहिएगा तो हमें दोबारा सत्ता में ला सकते हैं इससे तो वो लोग का मनोबल बढ़ रहा है तो हम लोगों को जनता को चाहिए ऐसा ऐसा नेता को उखाड़ के फेंक दो नहीं चाहिए ऐसा नेता जो कि देश के बारे में नहीं सोचता हो सिर्फ अपने बारे में सोचता हो और रहा टेररिज अटैक का तो उसका बदला लेना ही चाहिए क्यों नहीं लेंगे हम चुपचाप क्यों बैठेंगे हम लोग को प्राइम मिनिस्टर इमीडिएटली एक्शन लेना चाहिए पाकिस्तान का खिलाफ़ में आम पब्लिक ऑल ओवर इंडिया का पब्लिक इकट्ठा होकर पाकिस्तान के खिलाफ नारा लगाना चाहिए और सर्जिकल स्ट्राइक इमीडिएट करना होगा सर ये बहुत गलत हुआ और उसका बदला तो अब मोदी तो बैठेगा नहीं खाली मोदी कुछ ना कुछ तो करेगा सर्जिकल स्ट्राइक टू निकालेगा ही निकालेगा अब वो उनको भुगतना पड़ेगा दोनों लोग किए सुरक्षा में कमी है तब देखिए तीन तीन चार कहाँ से आदमी कहाँ घुस के आज मार दे रहा तो सुरक्षा में अपना कमी है इसलिए तो घुस जा रहा है ना नेता लोग को कुछ करने का नहीं है उन लोग को तो कुछ होता नहीं है ना नेता का जवान शहीद होता घर का कोई नहीं रहता वो लोग को तो अपना ठाट से रहता रहता मरने वाला मर जाता आम आदमी मरता है या सेना मरता उन लोग का तो कुछ होता नहीं है सेना को विद्रोह करना पड़ेगा तभी कुछ होगा नहीं तो और कुछ होने वाला नहीं और सेना के पीछे हम लोग को साथ पूरा हिंदुस्तान को खड़ा होना पड़ेगा सैनिकों को मरवा रहे हैं और काम वहीं का वहीं अभी पाकिस्तान बोल दिया कि इसमें हमारा कोई लेन देन नहीं है क्यों भैया लेन देन नहीं है आपका आपको बोलना ही नहीं चाहिए और वो लोग मार भी रहे हैं और बगल में बैठे हुए ये नहीं कि कहीं दूर में है और सबको मालूम है कि वहाँ पे बैठा हुआ है मार भी रहा है उसके बाद भी हम लोग कोई उसमें जानकर के हम लोग जा री रहे हैं सीधी सी बात बस ही बोलूँगा हमारे प्रधानमंत्री को लेना चाहिए उसके बाद देखना चाहिए पाकिस्तान कहाँ तक करता है पाकिस्तान का कोई मुँह के जवान का ठीक नहीं है जब भी बात करता है उसका बात में दो मत रहता है और बात बोलकर वो पलट खा जाता है ये बात होना नहीं चाहिए प्रधानमंत्री को इसके लिए बहुत बड़ा कड़ा स्टेप लेना चाहिए इसके बारे में मोदी सरकार को कुछ कड़ा एक्शन लेना चाहिए सामने वोट है उसको छोड़ के अभी ये सब ध्यान देना चाहिए कि क्या करना है देश के जनता के बारे में क्या करना है क्या देखना है ये सब सारा कुछ उन लोग को ही देखना होगा हम लोग तो जाके नहीं लड़ेंगे वहाँ पे एक्शन उन्हीं लोग को लेना होगा हम लोग का सरकार को लेना होगा हम लोग आज संरुच्छित है हम लोग का नीत गायब हो गया है कल से हमारे घर में खाना पीना बंद हो गया है ये कहीं ना कहीं हमारे देश के प्रशासन पर एक प्रश्न उठाता है और देश के गद्दार के ऊपर भी प्रश्न उठाता है कहीं ना कहीं आ, ये भारत के नागरिक नहीं प्रधानमंत्री मुख्यमंत्री हर एक वो नेता और हर एक वो दल महिला पुरुष सबके लिए शर्म की बात है कि हमारे सीमा पर जो सुरक्षा कर रहे हैं हमारे भारतीय सेना और उन्हें निर्मम उनकी हत्या कर दी जा रही है धोखे से कैसे तो इसका जवाब भारत सरकार को और सबको ढूंढना चाहिए कि ये क्यों हो रही है हमारे भारतीय सेना के साथ अब हमें निंदा शोक प्रकट करने का समय नहीं है क्योंकि अब हमें भारत में एक भी आतंकी जिंदा नहीं चाहिए सर्वप्रथम पुलगामा में जो भी हमारे भारत के लाल सैनिक मारे गए उनके प्रति पूरे देश के साथ में मैं अपनी तरफ से संवेदना व्यक्त करता हूँ उनके परिवार को इस दुख की घड़ी में भगवान साहस प्रदान करे और भारत के सैनिकों को जिस प्रकार सरकार ने स्वतंत्रता दिया है ये भारत के सैनिक पाकिस्तान साथ के साथ सर्वप्रथम काश्मीर के धरती पर जो भी उग्रवादी है जो भी हुरियत के वहाँ पे नेता हैं जो भी काश्मीर को दहलाने के लिए पाकिस्तान के साथ साजिश में वहाँ पर लिप्त हैं उन्हें इस समय ख़त्म कर देना चाहिए और जो भी 170 का लिस्ट आया है जो भी उग्रवादी जो भी आतंकवादी इस कश्मीर के धरती पर आज सांस ले रहे हैं उन्हें चुन चुनकर मार देना चाहिए उसके बाद काश्मीर के धरती उस भारत माँ के लाल का ये सही बदला होगा और जो लोग मारे गए कल से वो मारे जाएंगे नहीं बहत्तर सालों से कश्मीर के धरती पर लाखों जवानों ने अपना शहादत दिया है और आज वो समय आ गया है कि भारत को पूर्ण सभी दलों को इसमें सहयोग करके और पूर्ण रूप से इस माँ धरती माँ के कश्मीर के रक्षा के लिए एकजुट होकर पाकिस्तान के साथ उग्रवादियों के साथ कल बेहद ही दुख दुखद घटना पुलगावा में घटी जिसे पूरे देश हताश हताश हो चुकी है और मैं सभी राजनीतिक पार्टियों से आग्रह करता हूं कि इस दुखद घटना के समय कोई भी दल राजनीति न करे और भारत माता के हित में सभी लोग सामने आकर सेना की और देश की एकता के लिए सहयोग करें और पाकिस्तान को नास्ता नबूद करने के लिए समर्थन दें विभिन्न विषय वीडियो पेते चैनल हिंदुस्तान यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब कर डब्ल्यू 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 यूट्यूब स्लैश चैनल हिंदुस्तान